क्या बोला तूने? तो भाई क्या हाल चाल है? तो भाई बड़े लेट व्लॉग आ रहे हैं, लॉन्ग टाइम नो सी हो गया। और भाई आज मैं जा रहा हूँ मतलब लाहौर जा रहा है आपका भाई। और वो आहा बहुत चंगा ना, मैं सिर्फ व्लॉग बनाने जा रहा आपके लिए, क्योंकि एक महीना नहीं डेढ़ महीना हो गया कि मेरा कोई यूट्यूब पे व्लॉग नहीं आ रहा। अभी बस मैं टिकटॉक पे एक्टिव था ज्यादा, अब मैं यूट्यूब पे भी रहूंगा। और भाई अभी लाहौर जा रहे थे, पैकिंग शैकिंग हो गई है, आपका रेडी शेडी हो गया, बताएं कैसा लग रहा है आपका भाई। और भाई अभी चलते हैं और आपको पैकिंग शैकिंग भी दिखाता हूँ, जो मैं मतलब जितने दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसके लिए सॉरी। और अब आपने मुझे देखना भी है, सारा व्लॉग देखना, कोई स्किप करके नहीं जाना। आज लाहौर जाऊँगा तो फिर अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, आपने कोई स्किप व्लॉग नहीं करना, डेली व्लॉगिंग होगी ये। इधर भी थोड़ा सा मतलब कुछ खाने पीने के लिए रुके थे और रेस्ट करने के लिए रुके थे। और भाई आपका भाई अब पहुंच चुका है मुल्तान, बस इधर रुके थे तो थोड़े बहुत रेस्ट किया, अभी वॉशरूम से गया हो गया हूँ। और भाई ये अभी ये देख से मोटर पे आए हैं, अभी यार मौसम जान नहीं छोड़ा भाई, धूप जान नहीं छोड़ी, हमें लगा था धूप जान छोड़ देगी हमें आधे रास्ते में, मगर इसने हमारा बिना दुब्भर किया हुआ है। अब पता नहीं आगे जाके हमें कोई बारिश वारिश मिलती है कि नहीं, लाहौर में तो बारिश हो रही है, इधर पता नहीं होगी कि नहीं। तो बस अभी रुके थे तो अब इधर अभी हम मुल्तान पहुंचने में हमें हैं 20 किलोमीटर है, तो लाहौर तो अभी है कोई 320-30 किलोमीटर है अभी लाहौर, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। देखेंगे कि मौसम अच्छा हुआ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बैठते हैं फिर से सफ़र करना स्टार्ट। यार अभी ये टायर की हवा भर आ रहे हैं, अभी हमने शुरू में जब हिमर खान से आ रहे थे तब नहीं पड़वाई थी, पंचर ही होने वाला होगा भाई जितनी हवा कम थी अंदर, अभी पता चला है, शुक्र है अभी डलवा लिया, वरना हमारा जो बुरा हाल होना था ना बाद में रुलते फिरना था। वही अभी मैं आपको आमों का बाग दिखाता हूँ, आए हाय हाय मज़ा ना यार, पैसे वापस। ये रहा भाई आमों का बाग, चीज़ वगैरह के साथ मैं पी रहा था स्टिंग। और भाई सफ़र में जाओ और बंदा चीज़ें ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। एनर्जी आ गई। और भाई आप ये भी देख सकते जूस जूस, ऐशा ने तो खा खा कर अपने आप को पागल किया हुआ है ऐशा। जी यार अभी तो रुके हैं और भाई इधर अमूमन बाहर नहीं लगी हुई, इतफाकन वैसे हर जगह मोटरवे पे लगी हुई है, मगर इधर नहीं लगी हुई, तो सिर्फ डंडे लगे हुए थे। मैं तो बाबो का शकीन हूँ यार, सफ़र कर करके थक गए थे, गर्मी में जलील करी थी, मैंने कहा थोड़े बहुत आम खा लिए जाए, भाई इधर आम लगे हुए हैं। ओए होए होए माशाल्लाह भाई, इधर आम उगेंगे क्यों नहीं उगेंगे, क्योंकि इधर तो 24 घंटे धूप रहती है। अभी इधर थोड़े बहुत आम तोड़ के खाते, कच्ची आम भी हैं, आम नहीं है तो आम तोड़ के खाते हैं थोड़े थोड़े, कोई है तो नहीं, ये तो वही होती है चोरी चोरी नहीं, मज़ा फन होता है भाई ये। और यशवा तुम क्यों तोड़ी हो, क्यों तोड़े हैं, यशवा चोर है। तो वही अभी तो रुके थे तो अभी थोड़े बहुत आम तोड़ते हैं, जैसे ये भाई माशाल्लाह यार ये जो है ना ये छोटा सा दरख्त है ये आप देख सकते हैं। और भाई इधर देखिए कितना माशाल्लाह बड़ा बड़ा आम लगा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं बारिश इतनी हुई है। ये देखें ये जो नीचे आई ये आमों की तबाही है, तो बस अभी इधर आमों का छोटा सा बाग था तो मैंने कहा इधर रुकते हैं बाबा, तो बाबा ने रोक दी गाड़ी, तो बस अभी इधर रुके हैं। यार पता नहीं इन्होंने अमूमन वो लगाई नहीं हुई तार, पहले तो लगी हुई हर जगह लगी हुई है, बस इधर नहीं लगी हुई। और ये हमारे लिए थोड़ी बहुत है मतलब गर्मी से बचने का तरीका है, थोड़ी बहुत इधर छाँव में रुके। तो जी यार अभी मैंने भाई इतफाक से देखा भाई ट्यूब वेल, यार ये अफसोसनाक खबर है मेरे लिए, चल नहीं रहा, अगर चल रहा होता तो मैं आपको नहा के भी दिखाता। और भाई यही ज़िंदगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, आप कहेंगे मज़ा आ गया, ये मतलब मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूँ, नानू घर भी सारा कुछ यही है, तो आपको मज़ा ना आए ना व्लॉग देखने का। अब इधर ट्यूबवेल नहीं चल रहा वरना गर्मी का ये सबसे बड़ा हल यही है।
यार भाई मैं इधर देख रहा था, ये तो बहुत प्यारा बाग है भाई। इधर रेड चिली और ग्रीन चिली भी लगा हुई है। ये ग्रीन चिली है, ये रेड चिली है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। और इधर औरतें काश्त भी कर रही हैं इसको। और भाई मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जो आम है मतलब ये सही तरह उग नहीं पा रहे, क्योंकि बारिश होने तबाही मचाई हुई है। मगर हमारी तो दुआ है ये उग शुग जाए। किसानों की बड़ी मेहनत है इसमें, तो बस अब जब उगेगा तो हम खाएंगे। अभी आम आ रहा है मगर इतना अच्छा नहीं है। वैसे तो बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है, मगर इस टाइम ये किसानों के लिए जहमत बनी पड़ी है, क्योंकि यार किसान पूरा साल मेहनत करते हैं इसको उगाने के लिए। और हम तो शहर में बैठे इंजॉय कर रहे होते हैं कि बारिश, मगर ये किसानों का जो होता है ना नुकसान, वो हम नहीं पहुँच सकते। अभी पापा जा रहे हैं, पापा गुस्से हो रहे हैं, पापा कह रहे हैं अभी बहुत सफर पड़ा है, अभी भी 300 किलोमीटर पड़ा है। मैं मुझे बार बार कीड़ा आ रहा है कि भाई चढ़ो भाई, ये इधर से मैं चढ़ूंगा कैसे। बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाय फाइनली भाई रोड क्रॉस कर लिया, मैं ये टाटे रख दूंगा, मैंने ऊंचाई चढ़ ली। और भाई चैनल को सब्सक्राइब अब भी ना करो, फिर आपको क्या मजा आया यार। अभी मतलब नानू के घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है। आप सब्सक्राइब करो, आपको इतने अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। गाड़ियाँ बार बार गुजर रही हैं, हम अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस में बैठते हैं और चलते हैं। जी यार अभी बस अब चलते हैं भाई, मेरे पापा नाराज़ हो रहे हैं। और फास्ट एंड फ्यूरियस में मेरी धूप में खड़ी खड़ी, यार ठीक हो? सॉरी यार तुम्हें धूप में खड़ा करके गए हो। वैसे भी तुम धूप में खड़ी रहती हो पूरा दिन, आ तुम्हें थोड़ा बहुत चला रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ रहा होगा। और भाई बस अब चलते हैं। और भाई मोटरवे में देख सकते हैं आप गाड़ियाँ निकली थस थस जा रही है। इधर अब पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए हैं भाई, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। और भाई अभी हमने रहीमिया खान से आते हुए टंकी फुल करवाई थी, और अब तो आधी टंकी फुल करा रहे हैं। लाहौर के लिए इतना पेट्रोल लग ही जाता है, तो बस अभी पेट्रोल डलवाया, अब चलते हैं लाहौर सीधा। अब रह गया है 120 किलोमीटर रह गया लाहौर, तो जैसे ही पहुँचते हैं मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है।